हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे बच्चों के लिए जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? इस वीडियो में हम लास्ट 10 ईयर्स में जितनी भी एसएससी में वैकेंसीज आई हैं वो दिखाएंगे आपको। इस साल 2024 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज बात करूँ। इसके साथ साथ हम आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज भी दिखाएंगे। अगर हम बात करें जीएसटी इनकम टैक्स किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उन सब छात्राओं के लिए जो आगे तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने स्टेट में अगर आप जॉब ले जाते हो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, फिर आपको इस साइकिल में एसएससी की फंसने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज की वीडियो शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट हेमंत गुप्ता। मेरे बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 10 ईयर्स का डाटा जो आपकी स्क्रीन पर है। 2013 से लेकर 24 तक जिस भी डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसीज आई, चाहे वो एएसओ, सीएसएसओ, एएसओ, एमईओ, आईटीआई हो, जीएसटी एग्जामिनर, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स, सीजीडीए, टीए, जेएसओ, सब की मैं इस वीडियो में बात करूंगा। साथ साथ आपको स्टेट की भी वैकेंसीज दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो में शुरू करने से पहले जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दूँ आपको पढ़ने की जो ज़रूरत है और कौन सी किताबों से, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे नए हैं और तैयारी कर रहे हैं, लास्ट 4-5 महीने बचे, आप कॉम्बिनेशन पैक ले लो दिशा पब्लिकेशन का। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो जैसा 6th एडिशन की इनकी लेटेस्ट किताबें आई हैं, चाहे मैथ्स की हो, जीके की हो, रीजनिंग इंग्लिश, इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। इंडेक्स में दिखाता हूँ आपको और बुक के अंदर की चीज़ भी अभी दिखाता हूँ। इन बुक की पहले बात कर लूँ मैं, इसमें क्या है, आपको लगभग 73 पेपर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, जिसमें आपके 2010 से लेकर 23 तक के लेटेस्ट एग्जाम के भी पेपर्स मिलेंगे। मेजर एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सब पर फोकस करके बुक बनाई गई है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें जो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे। इस बुक को करने के बाद 10 से 15% और ज़्यादा ही 20% तक आपकी स्कोर में इम्प्रूवमेंट होगा, ये मेरा मानना है पर्सनल। 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन मैथ्स की बुक में, बाकियों में 3300 3300, यानी कि लगभग 13000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व इस बुक के अंदर। 2022-23 के भी टीयर 2 के मेंस के पेपर इसमें सॉल्व दिए गए हैं। इस बुक को परचेज करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में किताब अवेलेबल है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस बुक के अंदर कैसा दिया गया, यानी जैसे सीजीएल 2010 में क्वेश्चन आए, जिस भी एग्जाम में आए सारे इन्होंने बता दिए। प्रीवियस ईयर करने से आपका जरूर स्कोर बढ़ता है, ये मेरा पर्सनल मानना है, मेरा भी स्कोर बढ़ा था। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इनका आंसर इन्होंने बढ़िया से एक्सप्लेन किए हर क्वेश्चन के, ठीक है। इस बुक को आपको दिखा भी देता हूँ फिजिकली, ये बुक है, इसका प्रिंट भी अच्छा है और पेपर क्वालिटी अच्छी है, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। कॉम्पैक्ट सी बुक है, आप कैरी कर भी सकते हो अगर ट्रैवल करते हो कहीं, ठीक है। अब वैकेंसीज पर आ जाता हूँ। देखिए, आप 2013 से लेकर अगर देखो एएसओ सीएसएस में 1267 वैकेंसी आई थी 2013 में, उसके बाद लगभग 2 बार और 900 वैकेंसीज आई हमारी। इसके अलावा इस साल 10 साल में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इस वैकेंसीज पर अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो, इसके बाद आपको एसएससी की साइकिल में फंसने की जरूरत नहीं है। एमईए में भी लगभग देखोगे 5 बार 3 डिजिट में आई है और इस बार 3 डिजिट में पक्का आने की उम्मीद है, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिर्फ ऐसा 1 बार हुआ था कि 1449 आई थी, बाकी सारे साल जो वैकेंसीज आती थी मेजर वो इस साल भी आ रही है, बाकी इससे कमी रहती थी। लास्ट ईयर देखोगे हर दूसरे साल को छोड़ के देखोगे कमी थी। अब जीएसटी पे आता हूँ। जीएसटी इंस्पेक्टर की आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो लगभग 2900 वैकेंसीज हैं। इतनी वैकेंसीज आपको लास्ट 10 साल में देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ 2014 को छोड़ के, यानी इस साल गोल्डन मौका है। 2900 नहीं है, अभी जो हमारे पास आरटीआईज हैं उसके हिसाब से ये 2664 है, फिर भी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं इस साल स्टेट वाइज। अभी आगे दिखाता हूँ आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये भी आपको स्टेट वाइज दिखाता हूँ अभी आगे। एग्जामिनर ये भी दिखाता हूँ, 3 डिजिट में एग्जामिनर आना भी एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। पीओ की भी 3 डिजिट में आना, अब देखोगे 100 200 300 तक चलती थी, एक साल को छोड़ के बाकी इस साल सबसे ज़्यादा आएंगी। सीबीआई और ईडी में भी इस साल ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। क्यों? मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट जो है उनकी स्ट्रेंथ रिवाइज हो रही है, जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी वो समझ जाएंगे। जहाँ पहले 4000 पोस्ट थी डिपार्टमेंट में, वहाँ 5000 हो रही है। गृह मंत्रालय की एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हो रही है, सीबीआई एसआई उसी के अंदर आता है, तो वैकेंसी ज़्यादा आएगी। फाइनेंस की भी हो रही है, एयू ईडी फाइनेंस में आता है उसकी भी होगी। नारकोटिक्स की भी होगी, हो गई है, जो आप देखोगे 15 18
लास्ट 5 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। नारकोटिक्स में बिल्कुल पुलिस जैसा भौकाल होता है, ड्रग से रिलेटेड आप चीज़ें हैंडल करते हो, वेदर इट इज़ स्मगलिंग या लाइसेंस इशू करना हो, अफीम की खेती जहाँ होती है वहाँ पर ज़्यादा काम होता है, पुलिस जैसी प्रोफाइल होती है। NDPS एक्ट में नॉन बेलेबल सज़ा होती है, इसलिए यहाँ पर पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। पावर से मेरा मतलब है कि आपके पास आपका जुडिक्शन जो रहेगा वहाँ पर आप एक्शन ले सकते हो अगर कोई गलत चीज़ें हो रही है। GST से ज़्यादा पावर रहती है, बहुत ज़्यादा। 3 स्टार जॉब रहती है, SI 2 स्टार रहती है, SI भी सेम ही रहती है। SI में सिर्फ लाइसेंस का काम ज़्यादा होता है, प्रिवेंटिव का कम होता है। स्पेक्टर में प्रिवेंटिव यानी आप केसेस बुक कर सकते हो अगर कोई ड्रग्स की मूवमेंट कर रहा है। बहुत अच्छी प्रोफाइल्स है ये CGL SSC CGL से जो मिलती है। आप लकी हो गए जो आपके एग्ज़ाम बैच में ये आई है, हमारे में भी आई थी, मैंने नहीं ली थी, मेरे पर्सनल रीज़न थे, मैंने अपने होम टाउन में GST इंस्पेक्टर लिया था। नारकोटिक्स की प्रोफाइल की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, GST की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एग्जामिनर का मैं 2-4 दिन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत ही बेस्ट पोस्ट एग्जामिनर में, ठीक है। CGD ऑडिटर भी आप देखोगे इस साल सबसे ज़्यादा आ रही है, अगर 2-3 साल को हटा दें। CBCTA 1600 वैकेंसीज हो चुकी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है CBCTA की भी, पहले 2 साल को हटा दें, लास्ट 10 साल में। CBCTA तो अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रोफाइल हुआ करती थी, अभी प्रमोशन में थोड़ा बहुत चेंज है, फिर भी वर्क वाइज बहुत अच्छी है। 1 साल को छोड़ के पूरे पूरे 10 साल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी। अब सिलेक्शन लेने का टाइम आ गया है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दो और इतनी पढ़ाई करो कि आप सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अब भी सिलेक्शन ले सकते हो, 4-5 महीने अच्छे से जी जान लगा दो, ठीक है। JSCO की लगभग 730 वैकेंसीज है, हाईएस्ट जो अब तक आई है। एज लिमिट भी 32 साल होती है, तो बहुत अच्छा चांस है। ये वैकेंसी जो मैंने पहले शेयर करी थी कैटेगरी वाइज, ये है आपकी जो अपडेटेड GST की वैकेंसीज है इंस्पेक्टर की, इसमें आपको सारी स्टेट वाइज दिख जाएंगी। पोस्टल इंस्पेक्टर भी लगभग 55 रिपोर्ट हो चुकी है। GST के जिस भी स्टेट से हो, जहाँ से भी तैयारी, कमेंट जरूर करना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे, हमारे साथी कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आपके स्टेट में भर भर के वैकेंसीज, पूरा का पूरा चार्ट भरा पड़ा है स्टेट की वैकेंसीज से। 3 डिजिट में ऑलमोस्ट सारे जोन्स में वैकेंसीज है, चाहे वो दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, ठीक है, भोपाल हो, पूरा नॉर्थ बड़ा बड़ा है, पूरा साउथ। साउथ वाले को तो जरूर जॉब ले लेने चाहिए। यू मस्ट प्रिपेयर हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि साउथ में इतनी वैकेंसी जो आ रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। कोलकाता में भी स्पेशली, मैं बंगाली भाई जितने भी उन्हें बोलना चाहूँगा कि आप तैयारी अच्छे से करो, इस बार जो वैकेंसीज हैं आपको आपका घर दिला सकती है, जहाँ से भी हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर पास प्रो का पता ही होगा आपको, जिन्हें नहीं पता, नए बच्चे बता दूँ, जो पुराने बच्चे आपको बताते नहीं है, मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है SSC की फील्ड में कदम रखते हो, जिसमें आपका एक टेक्स्ट बुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर बच्चा जुड़ा हुआ है और मॉक टेस्ट देता ही देता है। 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 700 से ज़्यादा एग्जाम के। टेस्ट बुक पास प्रो और पास का डिफरेंस अभी बता दूंगा, 439 का है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिलेक्शन होने पर फुल रिफंड है। देखिए Tier 1 Tier 2 के दोनों के मॉक टेस्ट होंगे इसमें। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको 174 चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, इसके साथ साथ 115 प्रीवियस ईयर, 50 से ज़्यादा मॉड्यूल टेस्ट, 30 सेक्शनल टीयर 2 के, और प्रीवियस ईयर प्रो में मिलेंगे आपको, तो इसलिए प्रो लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट बुक पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज, प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड फीचर, ये सारी चीज़ें मिलती है। 40 फुल Tier 1 के टेस्ट। अपनी परसेंटाइल देखो उन बच्चों के अंदर, लगभग 7 लाख बच्चे इसका पेपर देते हैं जो टेस्ट बुक पर फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो फ्री वाले तो जरूर लगा देना, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। ये आपका है अभी आपकी स्क्रीन पर जो मैंने टैक्स असिस्टेंट का डाला हुआ है, टैक्स असिस्टेंट में भी आ चुकी है हमारे पास सारी वैकेंसी स्टेट वाइज। कमेंट जरूर करना अगर आप तैयारी कर रहे हो। स्टेट वाइज इस बार जो सबसे ज़्यादा है वो है आपकी चेन्नई, चेन्नई के बाद अगर मैं बात करूँ तो कोलकाता और वडोदरा, यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और दिल्ली में भी अच्छी खासी है। 15 साल में इंस्पेक्टर बनते हो टैक्स असिस्टेंट। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की लगभग 138 हो चुकी है, एक दो जगह की अपडेट होनी बाकी है, वो मैं शेयर कर दूंगा, इनके फिर बढ़ने के चांसेस कम है। यहाँ एग्जीक्यूटिव से 5 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाते हो एज पर रूल, ठीक है। ये आपकी रही वैकेंसी जो एग्जामिनर की, एग्जामिनर एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है जहाँ पर आप असिस्टेंट कमिश्नर बहुत तेजी से बनते हो, बहुत चार्मिंग प्रोफाइल है। कस्टम्स के कार्गो उतरते हैं, एग्जामिनेशन करना होता है अंदर क्या गुड्स है, उनकी क्या वैल्यू है, ड्यूटी सही भरी है, अप्रेजर अप्रेजमेंट करता है जो इसका पहला प्रमोशन होता है, 4 से 5 साल में प्रमोशन हो जाता है। डिटेल्ड वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। असिस्टेंट कमिश्नर तो आप इतनी जल्दी बनते हो इसमें, और फिर GST वालों के जो है आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हो एग्जामिनर से, लगभग 15-16 साल में एवरेज है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर इस प्रोफाइल से बन जाते हो।
प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम्स की पोस्ट है, बहुत बढ़िया, स्मगलिंग रोकते हो आप जितनी हो रही होती है, एयरपोर्ट पर रहते हो, पैसेंजर्स को देखते हो, ठीक है, व्हाइट वर्दी मिलती है, व्हाइट टोपी मिलती है, स्ट्राइप्स रहते हैं, यहाँ पर एक अलग ही फील आती है कस्टम्स में आपको काम करने में। कार्गोज भी आप देखते हो इसमें, और रमेजिंग भी देखते हो, प्लेन के अंदर घुस के इंटेलिजेंस डेवलप करते हो, वो सब चीज़ें चेक करते हो, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है आपका, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और फिर सब्सक्राइब नहीं करो ये बहुत बुरी बात है। लाइक और शेयर करें उनके साथ जो तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।